नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, ऑनलाइन कक्षा के दौरान जो समस्याएं बच्चों को और शिक्षकों को आ रही हैं, वो सबसे प्रमुख ये हैं कि एक तो मोबाइल पर हम जब ऑनलाइन कक्षा लेते हैं तो उसका स्क्रीन छोटा होता है, और जब ऑनलाइन कक्षा किसी भी ऐप के माध्यम से लेते हैं तो जब बच्चों के सामने वह जाता है तो और भी आधे स्क्रीन में हो जाता है, साइड से और ऊपर नीचे दोनों तरफ से कट जाता है, और जितना बड़ा मोबाइल का स्क्रीन है उसके भी आधे स्क्रीन में वह ऑनलाइन कक्षा शो होता है, जिसके कारण पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कुछ तकनीकों का प्रयोग करके, कुछ इजी स्टेप का प्रयोग करके हम उस ऑनलाइन कक्षा को पूरे स्क्रीन में देख सकते हैं। साथियों, आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को चूँकि ये छात्रों से भी संबंधित है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे द्वारा ली जाने वाली जो ऑनलाइन कक्षा है उसको पढ़ सकें, क्योंकि हम तो पढ़ा करके शांत हो जाते हैं लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मीटिंग चालू हो चुका है। इसमें तीन लोग जुड़े हुए हैं, एक में SP, एक में M और दूसरे में कुछ सीन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमें इस सीन को, जो कि बहुत ही कम स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, इसको फुल स्क्रीन में देखना है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला काम जो हमको करना है वो ये है कि हमें जो भी हमारे नोटिफिकेशन बार में हमको जाना है और देखना है कि वहाँ एक जगह आपको रोटेट ऑफ, किसी किसी में रोटेशन ऑफ लिखा रहता है, ये डार्क कलर का दिख रहा है, इसको हमें अनलॉक कर देना है। इसको हम अनलॉक कर देंगे, उसके बाद फिर से हम मीटिंग में वापस आ जाएंगे। हम वापस आ गए हैं, रोटेशन बार जो है हमारा उसको अनलॉक करने के बाद फिर से हम पहली स्थिति में आ गए हैं, और हमको जिसका भी, जिनको भी हमको देखना है उस स्क्रीन को, जैसे SP या M या जो सर पढ़ा रहे हैं उनके स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देखना है, तो उसको दो बार टैप करके मोबाइल को रोटेट कर देना है। जो सीधा हम मोबाइल को खड़े रखते हैं उसको सुला देना है। ये देखिए, दो बार मैंने टैप किया, ये देखिए इस प्रकार से वो फुल स्क्रीन में आ गया। ये देखिए, आप पूरे स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हम एक छोटे से स्टेप के माध्यम से अपने ऑनलाइन कक्षा को कितना अच्छा और आकर्षक बना सकते हैं और उसको फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसे में बच्चे को पूरा अनुभव होगा कि वह क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहा है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो पर बने रहिए।